आज की जो अपनी क्लास है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव से है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव के अंदर हम जो सेवंथ यूनिट है हमारी एज पर द सिलेबस आरटीयू सिलेबस के हिसाब से वो है हमारी इंडक्शन मोटर कंट्रोल है ना, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है, या फिर आप यू कह सकते हो एडवांस इंडक्शन मोटर कंट्रोल। उसका जो हमारा एक टॉपिक है विच इज रिव्यू ऑफ थ्री फेज वी एस आई और थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो हमें बेसिकली करना क्या है, अगर रिव्यू करना है थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का, तो रिव्यू इन द सेंस बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से वर्क करता है इन्वर्टर, किस तरीके से होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और सी एस आई यानी करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, स्लाइड मूव करता हूँ मैं, वेट अ मिनट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इन्वर्टर्स, या फिर अपन यू कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ इन्वर्टर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्वर्टर होता क्या है। इट इज बेसिकली अ डीसी को एसी कन्वर्टर। वी नो दैट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी और वी कैन क्लासिफाई द कन्वर्टर्स इन फोर कैटेगरी। वन इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर एंड एसी टू डीसी कन्वर्टर। सो दीज आर द बेसिक फोर कन्वर्टर्स व्हिच आर अवेलेबल इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। Hence, we are today we are discussing about inverter which is a DC to AC converter. Now, if we talk about the working principle or what it does, it is a power electronics converter that converts a fixed input DC voltage, into a variable output AC voltage and frequency. Here, one thing is to be kept in your notice that. When we applied a DC input voltage to an inverter circuit, then it will convert that DC input voltage as an AC output voltage with variable output, and hence variable output means what? Variable in magnitude. The voltage magnitude is variable and the frequency can also be varied accordingly. Okay. So the basic thing is that inverter provides a variable AC voltage and frequency as well at simultaneously. Okay, so we can vary two things here. We can make frequency variable, output frequency variable, or we can make the output voltage variable. And this is the very important thing in drives. जब हम लोग drive की बात करते हैं, तो ये दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत ही important रखती है. As we know that learn in the previous slides that there is a control which is named as V by F control. हमने देखा था कि किस तरीके से V by F control को या V by F का जो ratio है उसे हमें constant maintain करना होता था। अगर आपको frequency में change करना है तो simultaneously you have to change your magnitude at the same time in proportion. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा issue था. And the V by F control is basically used for induction motor speed control. एंड जब हम ड्राइव की बात करते हैं तो ड्राइव के केस में हमारा क्या होता है, ड्राइव के केस में हमारा एक ये रहता है कि ड्राइव जो रहती है उसके अंदर हमें स्पीड कंट्रोल करवानी रहती है। तो स्पीड कंट्रोल करवाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, या तो हम वोल्टेज को चेंज कर दें या फिर हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लें। इसलिए जो इन्वर्टर कंट्रोल है वो बेस्ट या फिर यू कह सकते हैं बहुत ही सूटेबल मेथड है फॉर द इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल टेक्निक। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन्वर्टर क्या करता है। तो हमने देखा जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन्वर्टर जो होता है वो दो वर्क करता है। पहला, एक तो वो फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फॉर्म में देता है, यानी यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, एंड वो जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरिएबल इन द नेचर होता है, यू कैन इजीली कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज। अब ये दोनों होते कैसे ये हमें देखना है, होता कैसे है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाना है तो आपको क्या करना होगा, By changing the time period using firing control of thyristor. कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मुझे किसी भी frequency यानी output frequency को change करवाना है, आप सब जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं Indian context में तो हमारी जो frequency है वो 50 hertz है। Suppose आप चाहते हैं कि output जो frequency है उसको 50 hertz पे maintain करना है, तो 50 hertz पे maintain करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, time period को control करना पड़ेगा। और time period की अगर मैं बात करता हूँ, एक full cycle की मैं बात करता हूँ इन कॉन्टेक्स्ट में, मान ली 50 हर्ट्ज की मैं बात कर रहा हूं, तो जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, वो 1/f होगा। तो 1/50 अगर मैं करता हूं तो जो टाइम पीरियड आता है वो 20 मिलीसेकंड आता है। तो ये जो 20 मिलीसेकंड जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
Now, अब टाइम पीरियड कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक कन्वर्टर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी या थायरिस्टर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर एज अ स्विच कनेक्ट होगा, तो उस स्विच की जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है या जो उसका स्विचिंग पीरियड है, उस पीरियड को आप बढ़ा के या घटा के आप अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक इन्वर्टर के आउटपुट में वेरिएबल फ्रिक्वेंसी गेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, अगर मैं बात करता हूँ वेरिएबल वोल्टेज की, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको पॉसिबल करने के लिए हमारे पास में दो चीजें है। पहली चीज है एक्सटर्नल कंट्रोल और दूसरी चीज है हमारा इंटरनल कंट्रोल। तो जो एक्सटर्नल कंट्रोल है, जो हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो अगर आपको एक्सटर्नली इसको चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, दो चीज करनी होगी। पहली चीज, या तो आप क्या करें, एक कंट्रोल्ड कन्वर्टर यूज करें, जो कि क्या करेगा, बेसिकली कंट्रोल कन्वर्टर आप लोग जानते हैं, हम तो पढ़ चुके हैं फुल लोड ब्रिज कंट्रोल कन्वर्टर एंड हाफ कंट्रोल कन्वर्टर, थ्री फेज कंट्रोल कन्वर्टर, ये सब बेसिकली क्या है, ये जो कन्वर्टर्स है इनके अंदर क्या लगा रहता है, थायरिस्टर। अगर आप इन थायरिस्टर की जो कंट्रोलिंग है, फायरिंग है, उसको कंट्रोल करवाते हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा, यानी आप एक इनपुट में जो सप्लाई दे रहे हैं, उससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, उस डीसी आउटपुट का आप क्या कर रहे हैं, बाय कंट्रोलिंग द थायरिस्टर फायरिंग यू कैन इजीली कंट्रोल द आउटपुट मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट डीसी वोल्टेज आ रहा है, वो वेरिएबल इन द नेचर होगा। और ये जो वेरिएबल डीसी वोल्टेज है, यहाँ पे ये देखिएगा जिस तरीके से फिक्स्ड एसी वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, इससे पहले कंट्रोल्ड कन्वर्टर लगा दूँ, वो कंट्रोल कन्वर्टर क्या करेगा, इस फिक्स वोल्टेज को एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप एक वेरिएबल नेचर का डीसी, मान लीजिए अगर मुझे मैग्नीट्यूड डेटा केस, मान लीजिए जहाँ 50 वोल्ट की बात कर रहा हूँ डीसी की, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को आउटपुट में मेरे को एसी वोल्टेज जो मिले वो वेरिएबल मिले, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँ, इनपुट में चेंज करवा दूँ, तो ये पॉसिबल है। तो अगर मैं इनपुट में वोल्टेज चेंज करता हूँ, मान लो 50 की जगह मान लीजिए हम 60 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मेरा एसी आउटपुट मिलेगा। यानी अगर मुझे एसी आउटपुट को चेंज करना है एक्सटर्नली, तो मैं क्या करूँ, उसके इनपुट के अंदर या तो एक कंट्रोल कन्वर्टर लगा दूँ, कहाँ पे, जब आपकी फिक्स डीसी सप्लाई जो आ रही है उसके जस्ट आउट, ठीक है, ताकि आपका जो वेरिएबल आउटपुट हो जाए वो डीसी इन द वेरिएबल इन द नेचर हो जाए। दूसरा तरीका ये है हमारे पास करने के लिए इसको, कि हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करें। डीसी टू डीसी कन्वर्टर कौन कौन से आपने पढ़े होंगे, बक बूस्ट वगैरह ये सब कन्वर्टर, या फिर आप चॉपर भी यूज कर सकते हैं। एक बेस्ट वे है हमारा चॉपर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्पीड कंट्रोल के लिए भी, हमने काफी इसको देखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली आप एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करेगा, फिक्स डीसी इनपुट को वेरिएबल आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये वेरिएबल आउटपुट डीसी फर्दर आपके जो एसी आउटपुट आ रहा था उसके अंदर चेंज कर देगा। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की, तो इंटरनल कंट्रोल कैसे करवाया जाता है। इंटरनल कंट्रोल करवाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, PWM टेक्निक, विच इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तब भी आपने ये सब चीजें पढ़ रखी होगी, फिर भी हम क्योंकि एक रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि रिव्यू करना है, तो हम लोग ये चीज जानना चाहेंगे किस तरीके से हो सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको PWM टेक्निक को यूज करना है, जिससे कि आप पल्स विड्थ को कंट्रोल करवा के मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों में साइमल्टेनियस चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टेक्निक। तो बेसिकली हमें एक चीज पता चल गई कि इन्वर्टर पहला काम क्या करता है, ये एसी आउटपुट देता है विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज एज एन ऑप्शन। आप दोनों में चेंज करवा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और दोनों में किस तरीके से करवा जा सकते हो, तो उसके लिए भी अपन ने मेथड डिस्कस कर ली कि कंट्रोल कन्वर्टर यूज कर लीजिए, या फिर चॉपर यूज कर लीजिए, या फिर कन्वर्टर यूज कर लीजिए, ओके। एंड दूसरी मेथड इंटरनल के लिए था, तो हमने PWM टेक्निक की बात कर ली। सो दिस इज द बेसिक इन्वर्टर सर्किट। नाउ अब बात करते हैं कि इन्वर्टर जो है ये क्या एक ही तरीके का होता है, तो नहीं, ये कहना गलत होगा कि एक ही तरीके का होगा। We can classify it into several types. और किस बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो किस तरीके से classify कर सकते हैं, तो we can classify it on the basis of control strategy. सबसे पहली चीज आती है control strategy, क्या use कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसको classify कर सकते हैं। Nature of supply, यानी single phase and three phase. Control strategy की बात करेंगे तो we can talk about 180 degree and 120 degree control. Then type of technology, आप क्या use कर रहे हैं, full phase, half phase, PWMS, PWM की कौन सी technique है, तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक ट्री और हायरार्की, यू कैन सी देयर
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वर्टर को डिवाइड किया गया। इन्वर्टर को सबसे पहले बांटा गया VSI which is voltage source inverter, और साइमल्टेनियसली एक दूसरा पार्ट बांटा गया जिसको बोला गया करंट सोर्स इन्वर्टर। ये तो यहाँ पे एक VSI और एक CSI है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसे तो सिर्फ VSI का करेंगे क्योंकि इंडक्शन मोटर के लिए फिलहाल इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन VSI को भी आप दो टाइप में बांट सकते हैं, इट कैन बी अ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और इट कैन बी अ थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो जब आप वन फेज की बात करते हैं तो वन फेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो हम फिक्स वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आउटपुट ले लें या फिर हम वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आउटपुट ले लें। तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल, या तो वोल्टेज फिक्स रहेगा आउटपुट लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज मिलेगी, और या फिर आपको वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो इस तरीके से होगा, तो अगर आप मान लीजिए आपको फिक्स वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है टेक्नोलॉजी वाइज, एक तो है हाफ ब्रिज एंड दूसरा है फुल ब्रिज। और फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज के साथ हमें पता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोड होते हैं, तो यू कैन यूज इट हाफ ब्रिज विद आर लोड विद एल लोड विद आरएल एंड विद आरएलसी। सिमिलर केस इन फुल ब्रिज केस वेयर वी कैन आल्सो यूज फुल ब्रिज विद आर लोड एल लोड आरएल लोड एंड आरएलसी। और जब हम बात करते हैं वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की, तो यहां पे हम बात करते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्निक। अब PWM टेक्निक भी किस किस तरीके की होती है, तो इट कैन बी अ सिंगल PWM, इट कैन बी अ मल्टीपल PWM टेक्निक, और यू कैन यूज फोरियर सीरीज ऑफ अनइक्वल PWM, और यू कैन यूज बाइपोलर PWM, और यू कैन यूज यूनिपोलर PWM टेक्निक। तो इस तरीके से सिंगल फेज के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है इन्वर्टर के लिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं थ्री फेज की, तो थ्री फेज के केस में हमारे पास दो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक को बोला जाता है 120 डिग्री कंडक्शन एंड एक को बोला जाता है 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन। किस तरीके से आप कंडक्ट करवा रहे हैं थायरिस्टर्स को या स्विचेस को, वो ये मेथड डिसाइड करती है कि ये VSI किस तरीके से वर्क करेगा या इसका जो थ्री फेज आउटपुट आएगा वो भी किस तरीके से आएगा। तो हमें जो पढ़ना है या जो रिव्यू करना है वो बेसिकली करना था थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो मोड है, एक 180 एंड 120। लेकिन इस पे जाने से पहले हमारे को एक चीज और देखनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर है वहाँ पे स्विच है थायरिस्टर्स है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेगा। हमने पढ़ा है कि जो भी स्विचिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो कि नेचुरल या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनिक्स इंटरफेस होते हैं सिस्टम में। और आप लोग हार्मोनिक्स को लेके काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं हमेशा कि भाई हार्मोनिक जो है वो हमारे जो चाहे वो मोटर हो चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हो चाहे वो हमारा इक्विपमेंट हो, सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। ये लॉसेस को बढ़ाता है अननेसेसरीली, ये हमारे ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। तो बहुत ही हर तरीके से देखा जाए तो हार्मोनिक्स जो है वो बिल्कुल ही डिजायर्ड नहीं होते हमारे सिस्टम के अंदर। तो अब इसको कैसे देखना है और हार्मोनिक्स क्या प्रॉब्लम करती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन्वर्टर के साथ आपने जो पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमेशा बात की जाती है हार्मोनिक एनालिसिस की कैलकुलेशन की। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये देखना जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इन्वर्टर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो आउटपुट है इन्वर्टर का वो है एक स्क्वायर वेव। ये एक साइनोसॉइडल वेव आउटपुट नहीं देता, ये जो आउटपुट देता है वो स्क्वायर वेव इन द नेचर जो रहता है उसका स्क्वायर नेचर रहता है या स्क्वायर वेव फॉर्म रहती है इन द आउटपुट, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका एक स्क्वायर वेव आउटपुट मिल रहा है तो आप इसको डायरेक्टली जो डोमेस्टिक इन्वर्टर की मैं बात करता हूँ, घर की सप्लाई है, डोमेस्टिक जो इक्विपमेंट है आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, वहाँ पे डायरेक्टली आप अगर एक स्क्वायर वेव आउटपुट देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे मोटर है तो मोटर का जो टॉर्क है वो पल्सेटिंग इन द नेचर हो जाएगा, ठीक है। आपके जो सप्लाई है डोमेस्टिक सप्लाई, तो उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट है वो फ्लक्चुएशन करने स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर हाइजिंग नॉइस या जो साउंड है एक अलग टाइप की, जब भी आप देखते हैं पावर कट होता है तो एक अलग ही टाइप का साउंड क्रिएट होता है जब भी इन्वर्टर के ऊपर आपके कोई इक्विपमेंट रन करते हैं। तो क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वहाँ पे पावर इम्बेलेंस है या पावर क्वालिटी जो हमें चाहिए जो प्योर साइन वेव चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही होती। आज भी कहती है, कई कंपनियां कहती है कि हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, ठीक है ना। तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर देने के लिए बहुत ही ज्यादा हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो इट इज नॉट द केस फॉर ऑल द टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा वहां पे बेसिकली। तो जब हम बात करते हैं तो स्क्वायर वेव की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसके साथ, इन्वर्टर के साथ। दूसरी जो चीज है वो हमारा कि हार्मोनिक एनालिसिस। जब भी आप अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर वेव आउटपुट के,
अगर हमें स्क्वायर वेव आउटपुट से साइनसोइडल वेवफॉर्म देनी है, अब क्योंकि हम डोमेस्टिक में दे नहीं सकते, कब तक नहीं दे सकते, जब तक कि ये नियरली साइनसोइडल ना हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली प्योर साइनसोइडल इन द नेचर हो, लेकिन एटलीस्ट साइनसोइडल इन द नेचर हो, थोड़े बहुत रिपल्स होंगे तो चला सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। तो उसको साइनसोइडल इन द नेचर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हार्मोनिक एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं हैजार्डस नेचर के जो हार्मोनिक्स है उनको सेपरेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है बनाने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, ताकि आपको ये चीज समझना है कि क्यों हम हार्मोनिक्स एनालिसिस पे इतना इम्पैक्ट करते हैं या इतना रिलाय करते हैं। एक स्टैंडर्ड है IEEE का, IEEE 519, व्हिच इज ऑब्टेन इन 1992। वो ये कहता है कि जो इन्वर्टर का आउटपुट है इट हैज टू बी कैप्ट विद द TSD एज लो एज 5%। मतलब जो आपका TSD जो है, TSD क्या होता है, मैं इसका फुल फॉर्म एक बार फिर बता देता हूं, आपको मे बी आपको पता होगा, इट इज थायरेस्टर या सॉरी इट इज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन व्हिच इज इन आउटपुट। अब आउटपुट के अंदर जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है सप्लाई के अंदर, वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IEEE, इट हैज टू बी कैप्ट एज लो एज 5%। जबकि हम अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स की, जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमने किस इन्वर्टर की बात की जिसका आउटपुट एग्जैक्टली स्क्वायर वेव आता है, अगर आप डायरेक्टली इस स्क्वायर वेव इन्वर्टर को सप्लाई में देते हो तो इसका जो TSD लेवल है ये अप टू 48.5 और या फिर यू कह सकते हो 48.43 है, ये कैलकुलेटेड होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए एक डिस्टॉर्शन फैक्टर आता है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - g²-1। तो अगर आप जी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका ये वैल्यू निकलता, और ये बकायदा प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 48.43 आ रही है, जो कि किसके लिए है, जो आप डोमेस्टिक इन्वर्टर की बात करो, जो कि आपको स्क्वायर वेव आउटपुट में देगा, इसलिए इसको आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली विद द इक्विपमेंट ऑफ डायरेक्टली विद द सप्लाई सिस्टम। तो अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वर्टर्स की या इंडस्ट्री में जब बात करते हैं तो वहां पे क्या ये TSD लेवल अलाउड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम रख भी नहीं सकते। अगर 5% नहीं है तो एटलीस्ट 5-10 के बीच में, तो हालांकि इंडस्ट्री बिल्कुल गवर्निंग जो नॉर्म्स है IEEE के उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करती है, तो जो TSD लेवल रहता है वो 5-10% के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता या होने भी नहीं देते। ठीक है ना, अब ये बात हो गई TSD की, बात हो गई हार्मोनिक एनालिसिस की, और ये इफेक्ट भी समझ में आ गया कि भैया TSD इतना होता है। अब इसको अलग कैसे करें, सेपरेट कैसे करें, या हार्मोनिक्स की हम जब बात करते हैं, फोरियर सीरीज की जब हम बात करते हैं, आपने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी, तो फोरियर सीरीज के केस में आपने पढ़ा था कि जो फोरियर सीरीज होती है वो बेसिकली क्या करती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट। ये बेसिकली फोरियर सीरीज क्या करती है, एक वेव होती है उसको ये डिवाइड कर देगी अलग अलग फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक अप्रोक्सीमेट स्क्वायर वेव है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट से नहीं है ये शेप, लेकिन ये इस तरीके से होता है, बेसिकली ओवरशूट की वजह से होता है, अपने पढ़ा भी था टाइम डोमेन में, टाइम रिस्पांस करते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख लें, अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इस पर फोरियर सीरीज एनालिसिस लगा दूं, तो फोरियर सीरीज एनालिसिस बेसिकली क्या करेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है, अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्टर के लिए तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है (4VS/nπ)sin(nπ)nωt, ये शायद फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना, अब इसका अगर आप फोरियर सीरीज लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये बेसिकली फंडामेंटल कंपोनेंट एक तो देगा साइन वाला, जैसे अब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हार्मोनिक की बात करता हूं, तो 4vs नीचे डिवाइड में पाई आ जाएगा, n पाई है तो क्या हो जाएगा 4vs/π, फिर साइन n ओमेगा t, अब n की जगह क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली जो फार्मूला बना वो क्या बना, 4vs/π (sin ωt). अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो क्या ये vm sin ओमेगा t के बराबर नहीं है, है एग्जैक्टली है vm sin ओमेगा t, और जो vm sin ओमेगा t होता है ये बेसिकली आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ये जो पहला जो फर्स्ट हार्मोनिक का जो कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड हार्मोनिक से, जब आप n की जगह 3 पुट करते हैं ये वाला (sin 3ωt/3), तो ये वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है कि यही होता है फॉर्मूला, तो ये थर्ड हार्मोनिक, देन सिमिलरली फिफ्थ हार्मोनिक, देन सिमिलरली सेवंथ हार्मोनिक्स एंड टिल एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लेवल के लिए अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं सारे के सारे ऑड हार्मोनिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑड हार्मोनिक्स है इसके लिए अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप ऑड हार्मोनिक्स की बात करते हैं, तो जब आप ऑड हार्मोनिक्स की बात करते हैं तो इन ऑड हार्मोनिक्स के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से,
एक वेव तो ये आएगी, दूसरी ये, तीसरी, यानी कहने का मतलब मैं जो बता रहा हूँ फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज इससे सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सेपरेट कर रही है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इन सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक ही वेव में एम्बेड करके एक फंक्शन की फॉर्म में देना, तो ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज, जिसको यूज करके हम लोग हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं। अब ये बात आती है कि सर अब आपने कह दिया कि चलो मान लीजिए कि आप दे नहीं सकते स्क्वायर वेव आउटपुट नहीं दे सकते, तो हम ये साइन वेव आउटपुट कैसे दें, तो इसको देने के लिए आपका आंसर है फोरियर सीरीज। आप फोरियर सीरीज को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पहले तो सेपरेट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फिर ये जो कंपोनेंट्स है थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक जो कंपोनेंट है, इन सारे हार्मोनिक कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे या सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए दो चीज होती है, या तो आप फिल्टर यूज कीजिए या पीडब्ल्यूएम टेक्निक यूज कर सकते हैं। फिल्टर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बकायदा हार्मोनिक फिल्टर्स होते हैं जिनको यूज करके आप हार्मोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा होता है पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स, तो पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स को यूज करके भी आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको इन्वर्टर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो हार्मोनिक्स या स्विचिंग हार्मोनिक्स, जिसको हमें क्या करना होता है रिड्यूस, और पीएचडी लेवल को बढ़ाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको इंडस्ट्रियल मोटर में या ड्राइव में दे देता हूँ सप्लाई को, तो इंडस्ट्रियल मोटर का जो टॉर्क है वो बहुत ही ज्यादा पल्सेटिंग इन द नेचर होगा, उसकी स्पीड के अंदर वेरिएशन आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए ये डिजायरेबल नहीं है। तो जब भी आप सप्लाई दे तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है या पीडब्ल्यूएम टेक्निक को यूज करके उसको साइनसोइडल इन द नेचर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये है एक बेसिक इन्वर्टर की बात। नाउ चलिए आगे थोड़ा सा, तो ये हमारा यहाँ तक का तो डिस्कशन हो गया किस तरीके से आपका हार्मोनिक होता है। अब हम बात करते हैं थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की, किस तरीके से थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वर्क करता है। ये एक जो डायग्राम दे रखा है आपके सामने आप देख सकते हैं, तो ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री फेज इन्वर्टर। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम सिंगल फेज इन्वर्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे ये एक ही लैग होती है, इसको आप लैग कह सकते हो, लिंक कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम कहेंगे सिंगल लैग, ठीक है। तो अगर सिंगल फेज होता है तो ये बाकी दो लैग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ सिंगल लैग होती है, ठीक है। इस सिंगल लैग के अंदर आप देख सकते हो वायरिस्टर कनेक्टेड है, उसके एंटी पैरेलल में एक डायोड लगा रखा है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। तो यहाँ पे हमें इसको देखने का यह इंपॉर्टेंस नहीं है कैलकुलेशन या एनालिसिस के अंदर। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि वन लैग ये एक फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरे फेज को रिप्रेजेंट करेगी, ये तीसरे फेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेसिकली ये डीसी इनपुट सोर्स है जिसको हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट थायरिस्टर लैग्स को दे दिया। पहली थायरिस्टर लैग के अंदर दो थायरिस्टर है, दिस एंड दिस, इसके तो ये सीक्वेंसिंग इस तरीके से कर रखी है 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। ऊपर की जो सीरीज है वहां पे सारे ऑड नंबर आएंगे 1 3 एंड 5, नीचे में जो आएंगे वो 2 4 एंड 6 आएंगे, ठीक है। और इन सबको जो आउटपुट है इसका तो हम देख रहे हैं सामने, यहाँ पे नीचे देखिए आप ए बी एंड सी, यहाँ पे तीनों में एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, इट कैन बी इम्पीडेंस लोड, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं R1 R2 R3। और ए का कहां से कनेक्ट होगा, यहां से कनेक्ट होगा, दिस इज द ए टर्मिनल या ए फेज, दिस इज बी टर्मिनल और बी फेज, दिस इज सी टर्मिनल और सी फेज। तो इस तरीके से इस लोड को हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर के आउटपुट में कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो कैलकुलेट करना वो हम कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अब ये बात करते हैं वर्किंग की, तो भैया वर्किंग की जब आप बात करते हैं तो वर्किंग को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्विचेस है, तो हमने क्या किया थायरिस्टर को एज अ स्विच रिप्रेजेंट कर दिया, S1 S2 S3 S4 S5 एंड S6, और ए बी सी तो तीनों टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल थे, इनों तीनों को हमने स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्ट कर दिया सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये सर्किट बेसिक सर्किट है, इसी को हम यूज करेंगे, हम डायोड वाला यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारे स्टडी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। देन हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इन्वर्टर की वर्किंग। तो वर्किंग करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो क्या है स्विचेस को, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन क्या करना है, हमारे को जो स्विच है कितने हमारे पास में टोटल 6 स्विच है। अब इन स्विचेस को किस तरीके से आप ओपन एंड क्लोज करवाते हैं या किस तरीके से ट्रिगर करवाते हैं वो कहलाती है कंडक्टिंग मेथड। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो आप 180 डिग्री के लिए कंडक्शन कराइए या 120 डिग्री। यहाँ पे कंडक्शन में मीनिंग ये है कि 120 डिग्री कंडक्शन के केस में आपको क्या करना होगा कि जो आपका थायरिस्टर है वो 120 डिग्री के लिए ही कंडक्ट करेगा और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ओके। तो आपका जो एक थायरिस्टर है वो मैक्सिमम कितने के लिए कंडक्ट करेगा, 120 मोड में 120 डिग्री के लिए, अगर आप 180 डिग्री मोड की बात करते तो 180 डिग्री। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 180 डिग्री कंडक्शन बोर्ड, तो इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। तो
पहले हमने क्या कर रहा था, तीन सेगमेंट में बांट रखा, हमारे पास में तीन लैग है। पहली लैग के अंदर हमने उसको नाम दे दिया सेगमेंट वन, जिसके अंदर दो स्विच है एस वन एंड एस टू, सेगमेंट टू के अंदर थ्री एंड फोर, एंड सेगमेंट थ्री के अंदर फाइव एंड सिक्स। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास छह थायरिस्टर्स है और हर एक को हमने एक सेगमेंट या एक लिंक के फॉर्म में समझ लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच एस वन की। जब हमारा मान लीजिए आपने उसको स्टार्टिंग किया जीरो डिग्री के ऊपर, आप कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ पे स्केल देख लीजिए 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 एंड देन अगेन ये रिपीटिव इन द नेचर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। हमने कहा था कि हम क्योंकि 180 मोड यूज कर रहे हैं, तो 180 डिग्री मोड का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप आउटपुट में इसको इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो जो पहला थायरिस्टर है विच इज एस वन, जो आपका पहला थायरिस्टर है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं थ्री फेज सप्लाई की। थ्री फेज सप्लाई में हमने पढ़ा है कि अगर आप थ्री फेज बैलेंस आउटपुट सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पे होता क्या है, तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर रहते हैं। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट होता था, आर फेज स्टार्ट होता था। सिमिलरली हमारे केस में भी पहले कौन स्टार्ट होगा, आर फेज। तो सबसे पहले हम किसको कंडक्ट करवाएंगे, स्विच एस वन को, ताकि आर फेज की सप्लाई आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 180 डिग्री के लिए हमने स्विच एस वन को क्लोज करवा दिया। अब क्लोज कितने के लिए करवाना है, हमने जैसा डिस्कस किया पीछे कि 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इन द सेंस 0 डिग्री पे आपको इसको स्टार्ट करवाना है और कब तक चालू रखना है, 180 डिग्री तक। उससे पहले आप इसको बंद नहीं करेंगे, यानी ये जो थायरिस्टर है वो एज अ क्लोज स्विच वर्क करेगा फॉर 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये तो हमने कंडक्ट करा दिया 120 डिग्री आफ्टर द फर्स्ट। हमें पता है कि जब थ्री फेज सप्लाई की बात करते हैं तो वाई फेज जो होता है वो 120 डिग्री पे सेपरेट रहता है, तो 120 डिग्री बाद में आपका वाई फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो वाई फेज को स्टार्ट करने के लिए अगर टाइम थोड़ा कम है हमारा तो हम मे बी इसको रिकनेक्ट करेंगे, फटाफट कोशिश करता हूँ मैं, अदरवाइज रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विच एस वन, तो ओके। अब क्या हुआ कि 120 डिग्री के बाद हमें पता है कि दूसरा फेज स्टार्ट करता है विच इज वाई फेज। हमारे केस में हमने ए बी यूज किया है, तो पहले एक फेज तो आ गया, लेकिन 120 डिग्री के बाद में बी फेज भी तो आना चाहिए। अब बी फेज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विच एस थ्री को तो क्लोज करवाना पड़ेगा। जब ये क्लोज होगा तभी तो ये बी फेज कनेक्ट होगा, ओके, या आउटपुट में आपको सप्लाई देगा। यानी मुझे क्या करना है, इस एस थ्री को ऑन करना है, तब जब 120 डिग्री आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका स्विच एस थ्री जो है वो क्लोज हो जाएगा जस्ट आफ्टर एस, ठीक है। कैसे होता है वो देखते हैं, ये डायग्राम आपको बता रहा है कि S1 जो था वो तो 0 से 180 डिग्री तक कंडक्ट करता ही है, लेकिन जो मेरा S2 स्विच था, S3 स्विच सॉरी, जो कि सेकेंडरी लिंक के अंदर था या सेगमेंट 2 के अंदर था, वो 120 के ऊपर कंडक्ट कर जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री का यहाँ पे नेचुरल डिस्प्लेसमेंट हमें देना था आउटपुट के अंदर। इसलिए हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई, पहले S1 को कंडक्ट कराया जो कि चालू है 120 के बाद भी रनिंग कंडीशन, लेकिन जब हम 120 पे पहुंचेंगे तो S3 को भी हमें फायर करवा देना है ताकि ये भी अपना फायरिंग करे। अब S3 कब तक फायर करेगा, क्योंकि 180 डिग्री है तो अगेन ये 180 के लिए करेगा, तो 120 पे कंडक्ट कर रहा है तो 180 ऐड कर लीजिए तो कहां तक करेगा, 300 तक। तो जब तक 300 डिग्री नहीं आता तब तक ये ऑन स्टेट में ही रहेगा। नाउ थर्ड स्टेज की बात करते हैं हम। अब थर्ड स्टेज पे हमारा जो तीसरा लिंक था जो कि सी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कहां पे स्टार्ट होगा। हमने कहा था जब पहली वेव आती है आर फेज आता है ये, ठीक है ना, तो आर फेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आर फेज आया उसके बाद में 120 बाद में वाई फेज, या फिर यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया तो ग्रीन फेज मान लीजिए, आरजीबी मान लीजिए, तो यहाँ पे ग्रीन आया, ये कब आया 120 बाद। तो जो बी फेज है या जो आपका आर ए बी सी यानी जो सी फेज है उसके केस में कब आएगा, तो सी फेज आएगा 240 डिग्री बाद में, या फिर यू कह सकते हैं एस थ्री, एस थ्री के 120 डिग्री बाद। अगर एस थ्री जो था वो 120 पे स्टार्ट हुआ तो इसमें 120 ऐड कर लीजिए 240, तो 240 के ऊपर हमारा तीसरा वाला जो था वो हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से S1, S3 और S1 स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ अब बच गया हमारा S2, S4, S6। अब जब 180 डिग्री तक मैंने सर आपने का कंडक्ट करवाना, आपने करवा लिया S1 को 180 तक, फिर S3 को 120 से 180 ऐड कर दिया, 300 तक कर दिया, फिर S5 को 240 में 180 ऐड कर दिया, तो ये अगेन 60 डिग्री तक करेगा, वापस रिपीट होके 360 के बाद 60 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज, अब क्या होगा सर, तो S2, S4, S6 ये बच गए, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको भी करवाएंगे ऑन। कैसे करवाएंगे, इस तरीके से भैया, पहले आपने जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, पहला हाफ साइकिल वहां पे S1 कंडक्ट करेगा, लेकिन दूसरा हाफ साइकिल जो हमारा 180 के बाद स्टार्ट होगा आउटपुट में, वहां पे भी तो हमें सप्लाई चाहिएगी,
ऐसा तो नहीं है ना कि हमें नेगेटिव हाफ में सप्लाई नहीं चाहिए, सप्लाई चाहिए तो उसके लिए क्या करें, एस टू बी तो कंडक्टिंग इन द नेचर होना चाहिए। तो इस डायग्राम को आप देखें, पहले तो ये सप्लाई S1 के वाया, जब S1 ऑन था तो इसके थ्रू हमें मिल रहा था, फिर जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जब हमें नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस S2 को क्लोज करवाएंगे ताकि जो ये सप्लाई है वो कंटिन्यूटी यहाँ से बनी रहे, ठीक है, यानी ये आउटपुट सप्लाई में जो कंटिन्यूशन या अल्टरनेशन हमें चाहिए वो हमें मिले, तो उसके लिए हमें S2 को क्लोज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे फटाफट देखिएगा, यहाँ पे S2 कब ऑन हुआ, 180, मतलब जब 180 पे S1 अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो जस्ट आफ्टर S1 180 के ऊपर हम किसको हीट करवा देंगे, फायर करवाएंगे S2 को, ये S2 अगेन 180 डिग्री के लिए रन करेगा, यानी 360 पे, देन अगेन रिपीट करेगा। सिमिलरली S3 जो था वो 120 पे कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था, कहां तक हुआ था, 300 तक, जैसे ही 300 हुआ, 300 के बाद में हमने S4 को स्टार्ट कर दिया, जो कि उसके सीरीज में था S3 के, ये S4 कब तक करेगा, अगेन 180 डिग्री, यानी 300 में 180 ऐड कर दीजिए, तो 60 तो यहाँ पे कवर हो जाएगा और बाकी का 120 नेक्स्ट में कवर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये भी 180 पे कंडक्ट करा और फिर वापस S3 स्टार्ट हो जाएगा, तो ये साइकिल रिपीट होगा, यानी पहले S3 देन S4 देन S3 देन S4, इस तरीके से चलेगा। तो ये जो लास्ट मिनट हमारा रह गया है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, तो फटाफट कंडक्शन देखते हैं, 0 से 60, अब यहाँ पे हमने साइड साइड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 0 से 60 की बात करते हैं, तो S1, S4, S1, ये तीनों रनिंग कंडीशन है, ये भी चालू है, ये भी चालू है, ये भी चालू है, जब आप साइड से 120 के बीच में देखें, तो S6 भी ऑन है, S, यहाँ पे S4 ऑन है, एंड देन S1 ऑन है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। सिमिलरली 120 टू 180 के लिए चेक करेंगे, तो क्या होगा, S1, S3 एंड S6 ऑन है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्विच किस किस एंगल पे मुझे फायर कराना है, 60-60 के सीक्वेंस में फायर करवा रहा है और इस तरीके से फायर करवा रहा है। यहाँ पर कंक्लूजन ये आपको ध्यान रखना है कि तीन स्विच कंडक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली फॉर 180 डिग्री मोड, 180 डिग्री मोड में एक साथ तीन थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहते हैं, तो बाकी तीन बंद रहते हैं।